अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। अब जब चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से मीटिंग इजलासों का दौर भी जारी होता देखा जा रहा है। कुछ लोगों को मुसलमानों से हमदर्दी नजर आ रही है तो कुछ लोग मुसलमानों से दूरियां इख्तियार करना चाहते हैं। लिहाजा इतना तो जरूर है कि भारत की सियासत से मुसलमान बाहर होते जा रहे हैं। कांग्रेस की हालत डूबते हुए जहाज की तरफ नजर आ रही है तो कुछ लोग आज भी कांग्रेस को ही मुसलमानों की हिमायती समझ रहे हैं। रियासत में आम आदमी पार्टी, MIM, JDS, कांग्रेस के साथ और भी दीगर पार्टियां सरगर्म होने के इम्कान है, पर क्या वाकई मुसलमानों का कोई सियासी वजूद बाकी है भी या नहीं, ये भी उतना ही अहम सवाल है। बेलगाम नॉर्थ के मुसलमानों की तादाद काफी है, पर क्या एक तरफा मुसलमानों को वोट गिरने से कोई उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है? लिहाजा लिंगायत मराठा कुर्बा समाज भी कसीर तादाद में पाया जाता है। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि बेलगाम हल्के में कांग्रेस खुद मुख्तलिफ गिरोह में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कांग्रेस के AB पाटिल की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। अहम चौरास्तों पर इश्तिहार के होल्डिंग्स भी नजर आए। अब ये तब्दीली भी बहुत अहम है और इसी सालगिरह के मौके पर इजलास भी रखा गया था जिसमें कुछ मुस्लिम और बड़े पैमाने पर लिंगायत लीडरों को जमा किया गया था। अब इसे यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस आपसी इख्तलाफात का शिकार जरूर हुई है और शायद आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर देखा जा सकता है। अब मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर जो अपने आप को बड़े लीडरों में शुमार करते हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों की चौकट पे जाते देखा जा रहा है। इन्हें भी MLA बनाने का लॉलीपॉप दिया गया और बेचारे उम्मीद भी करना इनका कोई गैर जरूरी तो है नहीं। अगर महज बेलगाम शहर की बात करते हैं तो बेलगाम नॉर्थ ही एक ऐसा हल्का है जहां मुसलमानों की तादाद काफी है और इससे पहले भी दो बार बतौर MLA जनाब फिरोज सेठ जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन वक्त के साथ सांप्रदायिकता का जहर का असर मुल्क में देखा गया और बेलगाम नॉर्थ भी इससे मुतासिर रहा। जाहिर है नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना देखना पड़ा। इसके लिए कुछ कांग्रेसी खुद भी आला लीडरों का दखल रहा है ऐसा भी कहा जाता है और यही इसकी वजह रही कि ये कांग्रेस लीडर को यहाँ पर हारते हुए देखा गया। इसी तरह अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के लीडर ही कांग्रेसी उम्मीदवार को हराने के लिए जिम्मेदार रहे। आज जब पूरे मुल्क में भाजपा अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है, इस बार भी कांग्रेस का इख्तदार में आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। चुनाव में EVM का किरदार कितना है इस पर भी चुनाव के वक्त तस्करे होते रहते हैं। UP, बिहार और दीगर रियासतों में EVM मशीन से सिर्फ भाजपा की ही पर्ची निकलने के मंजर अक्सर देखे गए। कुछ EVM घरों में तो कुछ सड़कों पर भी पाए गए। पिछले चुनाव से भी ज्यादा भाजपा और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसे कबूल इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को घुटने पर ला सकती है और दौलत, ताकत और सरकारी एजेंसियों के जरिए कहीं पर भी किसी भी पार्टी के MLA को खरीदने की कुव्वत भी भाजपा रखती है। तभी तो महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी कोई मायने नहीं रखते और अमित शाह ने पहले ही कहा कि भाजपा आने वाले 40 साल तक हुकूमत करेगी। अब कुछ रियासत बचे हैं या जानबूझकर बचाए गए हैं ये भी समझने की जरूरत है। जाहिर है मरकजी हुकूमत के इमदाद के बगैर रियासती हुकूमतों का वजूद भी काफी देर तक नहीं रह सकता। मतलब कर्नाटक कांग्रेस में अभी जीतना काफी दूर है, लेकिन कौन CM बनेगा इस पर बहस और इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। उधर JDS इस उम्मीद पर है कि अगर कांग्रेस, भाजपा या JDS को जनमत मिलता है, यानी कि ट्रायंगुलर मैंडेट मिलता है, तो JDS किंग मेकर बन सकती है और कुछ मुआहदे यानी पार्टी के मुफाद के मुआहदे कर हुकूमत में हिस्सेदारी मिल सकती है। पर इस तरह की कोई तस्वीर होगी लगता नहीं है। इस बार पूरी अक्सरियत भाजपा जीत दर्ज कर सकती है ऐसा खुद भाजपा का कहना है और अगर भाजपा ही कहते हैं तो इसके पीछे भी वजह रहती है। बेलगाम नॉर्थ के लिए मजहबी पोलराइजेशन भी जारी है। आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है तो MIM भी मैदान में रहेगी और तमाम पार्टियों को मुसलमानों की ही वोट चाहिए। कांग्रेस को फिक्र मुसलमानों की कम और मुसलमानों के वोटों की ज्यादा रहती है। पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी काम न करे और मुसलमानों के किसी भी मसले पर साथ ना भी दे तो मुसलमान कांग्रेस की अंधभक्ति में लीन पहले से ही है ही और वोट पार्टी को ही देंगे ऐसा यकीन तो इस पार्टी को है, लेकिन कहीं इधर उधर ना हो जाए इसकी फिक्र में भी इन्हें मुब्तला देखा जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों के लीडर एक बार फिर कांग्रेस की फजीलत बयान करते देखे जा रहे हैं। अब इस माशरे का भी रद्दअमल देखना उतना ही जरूरी है। वैसे मुसलमानों का सियासी वजूद खत्म हो चुका है, इस बात को मानना पड़ेगा और इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को भी देना होगा। मुसलमान आजादी के बाद से इस गफलत में थे कि कयामत तक कांग्रेस ही आएगी, लिहाजा कोई मंसूबाबंदी, कोई फिरासत या दूरअंदेशी मुस्लिम कयादत और मुस्लिम दीनी रहनुमाओं के पास नहीं थी, जिसका खामियाजा भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने कई बार इसका तस्करा किया है, एक बार फिर इस बात का जिक्र जरूरी है कि मुसलमान आज भी उसी नींद में है जो पहले था। इतने सारे हमले मुसलमान, इस्लामी दस्तूर, कुरान, शाने रिसालत में होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई खास रद्द अमल या बेदारी इस समाज में नहीं देखी जाती, ना इस समाज के लीडरों में देखी गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मसलक की मोहब्बत में
इतने अंधे हो गए हैं कि दुश्मन इस्लाम की मदद करने तक भी करने से गुरेज नहीं करते। वैसे बज़ाहिर इत्तेहाद की बात खुले मंचों पर करते नजर आएंगे, लेकिन अंदर मसलक फिरके का जहर आज भी पाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को काफिर कहने से आज भी नहीं चुकते। बजरंग दल आरएसएस की मुखालफत करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरे मसलक को दीन के दायरे से बाहर करना इनका पसंदीदा मशगला रहता है। लेकिन जब भी सामने आएंगे इत्तेफाक इत्तेहाद कौम मिल्लत की बात करेंगे। लिहाजा ऐसे मुनाफिक सिफत लोगों से इस माशरे को बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में भी होने वाला है। आज भी भाजपा या संघियों से पिछले दरवाजे से ताल्लुकात रखने वाले बहुत मिलेंगे। इनका मशहूर जवाब रहता है कि वहां रहकर मुसलमानों की मदद करेंगे या मुसलमानों का काम कर सकते हैं। अब क्या खाक काम करेंगे? जिस पार्टी की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी हो वहां तुम्हें क्या हासिल होगा? लिहाजा कुछ दुनियावी मुफाद के लिए मुखबिरी करने वालों की तादाद भी कुछ इस माशरे में कम नहीं है। रोजाना इस्लाम मुसलमान शरीयत पर हमले होने के बावजूद भी सियासत में किस्मत आजमाने की ख्वाहिश पर सिवाय अफसोस के और क्या कर सकते हैं? कोई कयादत नहीं, कोई मंसूबाबंदी नहीं, जिंदगी जीने का तरीका नहीं। अब तो कोई सियासी पार्टी भी नजदीक नहीं करना चाहता। आप वोट जिसे दे रहे हैं कल वही भाजपा या संघियों के खेमे में नजर आता है। कौन सी पार्टी सेक्युलर है, कौन कम्युनल है, कोई भरोसा नहीं रहा। लिहाजा एक मुसलमान बनकर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। सियासत में जलील होकर अपना वजूद तलाशने से अच्छा है कि उम्मत को हर हाल में एक करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि सियासत से पूरी तरह बाहर जाए। आखिरी वक्त में क्या करना है इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन मसलक के बाद सियासी पार्टियों की चापलूसी और मोहब्बत में आपसी इख्तलाफात को बढ़ावा न दे। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। जब सियासत में अपने ही अपने नहीं रहे तो गैरों से क्या उम्मीद। यहाँ भी अल्लामा इकबाल ने कहा कि बूतों से तुझे तो उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही कि काफिरी क्या है। आज जैबुन हॉल अमन नगर में रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप रखा गया था। खवातीन के मुख्तलिफ अमराज पर मुफ्त इलाज किया गया, जिसमें माहिर लेडी डॉक्टरों ने शिरकत फरमाई थी। लिहाजा अमन नगर, गांधी नगर, आजाद नगर, उज्जवल नगर और अतराफ के लोगों ने इसका फायदा भरपूर उठाते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर लुबना हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, वर्किंग इन नोमानी हॉस्पिटल बेलगम। हमारा आज यहाँ पे गांधीनगर में कैंप चला है, दैट इज़ स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कवर कर रहे हैं और हम लोग ये एजुकेशन देना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या केयर लेना है। हर एक प्रेगनेंसी में एक पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है, सो ताकि हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जैसे कि उनके कमियों को पूरा करें और उनकी प्रेगनेंसी ठीक से आगे बढ़ाए, ताकि उसका आउटकम एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर को लेके आए। और दूसरी बात, हम यहाँ पे उन लोगों को भी कवर करना चाहते हैं जो हॉस्पिटल आने से डरते हैं। स्पेशली औरतें अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, लेकिन अपना केयर भूल जाते हैं। बहुत सारे औरतों को अपने औरतों का प्रॉब्लम है, लेकिन शर्म के मारे वो बाहर नहीं आते हैं। तो हम ये एजुकेशन फैलाना चाहते हैं कि अगर एक औरत, एक माँ या एक घर जो चलाने वाली है, अगर वो हेल्दी रहेगी तो ही घर आगे बढ़ पाएगा। तो उनको हेल्प करने के लिए हम सोसाइटी में आके, कम्युनिटी में आके उनको टारगेट करना चाहते हैं, ताकि वो अपने हेल्थ का केयर ले। अस्सलाम वालेकुम, ये हम लोग कैंप हमने इसलिए अरेंज किया है कि अक्सर जो है औरतें जो है हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए हम लोगों ने उनके एरिया में आके, उनके इलाके में आके ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ताकि वो खुद आ जाके यहाँ पर उनके जो भी अंदरूनी
जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ गए, उनको सही से ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि जब औरत मजबूत तो पूरा घर मजबूत। और बहुत बहुत बार ऐसे होता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ये वो, तो इसीलिए हमने ये फ्री कैंप रखा है ताकि मतलब उनको फ्री चेकअप मिले और उनको हम सही से ट्रीटमेंट दे सके। प्रेगनेंसी में भी दवाइयाँ सही से लेनी चाहिए। शुरू के 3 महीने फोलिक एसिड है, बाद में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन डाइट, ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करवाते हैं कैसे उनकी डाइट होना चाहिए। और हम यहाँ पर ट्रीटमेंट भी लिख के देते हैं, कुछ हमारी जानिब से यहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी उनको थोड़ी बहुत फ्री में दी जाती है। बस हमारा यही मकसद है कैंप अरेंज करने का, ताकि हम इनकी एक फ्री में मदद कर सकें और कम्युनिटी का हेल्प कर सकें। हनी सिद्दीकी के साथ तो वो तो पूरी हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है कि वो मतलब पेशेंट्स को हेल्प करें, और भी मतलब ये फाउंडेशन के ज़रिए और भी वो काम होते हैं जो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर जानते हैं। और ये कैंप भी उन्होंने अरेंज करवाया है, हमेशा वो खिदमत के लिए हमेशा आगे बढ़कर तैयार ही रहते हैं, कभी उनके मुँह से मतलब ना का जवाब नहीं निकलता, जी हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, यही उनका ये हमेशा से कोशिश रही है। और हम भी मतलब उनकी तरफ से मतलब बहुत मोटिवेट होते हैं उनको देखकर कि आगे भी हमने भी इंशाल्लाह ऐसे काम करना चाहिए और ऐसे कैंप इंशाल्लाह आगे भी हम लोग अरेंज करते रहेंगे उनकी तरफ से, उनको भी हम बताएंगे मतलब आगे भी ऐसा काम करें इंशाल्लाह। आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा कि संजय दत्त कहता है कि इमरजेंसी हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या क्या, लिहाजा यही तस्वीर आज BIMS अस्पताल बेलगाम में देखी गई। लेकिन यहाँ मसला फॉर्म भरने का नहीं था बल्कि सर्वर डाउन का था। सर्वर डाउन की वजह से घंटों कतार में खड़े कई मरीजों को देखा गया, बुजुर्ग उम्रशुदा लोगों को घंटों तक यूं ही कतार में खड़े रहता देखा जा रहा था। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे वक्त में अगर किसी मरीज को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा था। सरकारी अस्पताल अवाम की खिदमत के लिए होते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में तकलीफ ही ज्यादा नजर आती है, आखिर ऐसी हुकूमतों का क्या फायदा, ऐसा भी अवाम को कहते हुए देखा गया। बुजुर्ग खवातीन जमीन पर बैठ तकलीफ से कराते हुए भी देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಮೂರು ತಾಸು ನಿಂದ್ರೋದ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ? ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲಿಂದ ಮಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅದು? ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಿಂದ್ರೋದು? ಅದ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ? ಹಾಂ, ಸರ್ವರ್ದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಕ್ಯೂ. ಏನು ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಒಂದು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ,
ಇದು ಕ್ವಾಂಟಲನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡ ಲೇಡೀಸ್ ಎರಡ ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಂದನ ಜನ ಬಂದ್ಯಾರ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎರಡೆರಡು ತಾಸಿನ ಹತ್ರನು ನಂಬರ್ ಬರೋವತ್ತಾರೆ. ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದ. ಕಣಪುರ ತಾಲೂಕು ಇಟಗಿ ಹತ್ರ ಕರೀನ್ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಕಣ್ಣಿನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಂದಿರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.